अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हो गया डीएस जी के प्रमोशन होने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा पिताजी के सामने कि तू तेरा बेटा अभी ग्रेजुएट हो चुका है, तुम उसको अभी पुलिस खाते में भर्ती करा दो, उसका भर्ती कराने का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, अभी इनका भी थिंकिंग ऐसा था कि चलो मेरा बेटा सेटल हो रहा है तो उन्होंने हाँ बोल दिया, चलो ठीक है मेरा बेटा अगर सेटल हो रहा है तो मैं कर देता हूँ अगर कुछ करना पड़ेगा तो। उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि 4 लाख रुपये लगेगा। ठीक है, डैड ने वो 4 लाख रुपये दे दिया उसको। वो देने के बाद उसने प्रस्ताव रखा कि एक तुम किधर ये 10x10 के रूम में रहते हो, अपना बंगलो लो, जमीन लेते हैं सस्ते में, ज़मीन मिल जाएगा और उसमें हम बंगलो बनाएंगे, एक तू अपना बना लेना एक मैं अपना बना लूँगा। ठीक है, वो बंगलो का पूरा काम डैड ने करवाया अपने हाथों से, हर चीज़ का हमारे पास बिल है और वो जो उधर की लैंड है वो लैंड मेरी मदर और उसकी वाइफ के नाम रजिस्टर्ड है पूरा लैंड। तो जैसे ही वो बन गया तो उसका थोड़ा सा यानी कि बिहेवियर चेंज हुआ कि भाई गाली देना, उधर कोई आता था डैड जाते थे हम जाते थे हमको गाली देना, वहाँ से मारने की धमकी देना, वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो हमने क्या किया, उसको छोड़ ही दिया कि भाई ये बंगलों की वजह से ज़मीन की वजह से लड़ाई हो रही है, हमको ये चाहिए ही नहीं, तुमको अगर खुशी मिलती तुम रख लो ये। तो उसने वो रखने के बाद हमारा सब बोलचाल उससे बंद हो गया। बोलचाल बंद होने के बाद वो डायरेक्ट 5 तारीख को हमारे घर पर आया, यानी उसने बोला कि आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। पहले मेरे को बुलाया था। इनको बुलाया था, तन बुलाया पहले मेरे को बुलाया, बोलता आज आपकी बेटी का बर्थडे है तो मेरे साथ तू आ, तेरा ऐसा तुम गुस्से से क्यों रहता है, मेरे साथ झगड़ा हो गया तेरा, मेरा बात तो नहीं करता है, आज तो तुम्हारी बेटी का बर्थडे है आज तुम, मैं भी थोड़ा खुश मूड में था, घर का माहौल अच्छा था, बेटी का बर्थडे था तो मेरे को बोला तुम मेरे पास आओ। तो मैं इनके पास पूरा दिन, मेरे को इसने फार्म हाउस पर लेके गया, वहाँ से इसने बातचीत किया मेरे से, प्यार से मेरे को समझाया तुम ऐसा वैसा मत करो, तुम्हारे साथ ही मैं लगा हूँ, आप टेंशन मत लो, तेरे बच्चे का जो प्रॉब्लम है मैं उसको डायरेक्ट 3 स्टार लगवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप। तो मेरे को अभी अपने को सब जगह पे पैसा तो देना पड़ेगा तुम्हें। मैं बोला सर मैंने आपको घर बना के दे दिया है, अभी आप घर भी ले लो, 15 लाख का खर्चा हुआ, उसका एक एक पेपर मेरे पास है, मैंने पैसा कहाँ से लेके आया सर, मेरे पूरा जमीन बेच दिया पंजाब का, मेरे पूरा पंजाब का जमीन बेच के इसको दे दिया, हरामी आदमी को 5 लाख रुपया मेरे से लूट लिया, मेरा पूरा जमीन का पैसा खा गया, मेरा पूरा फाइनेंस का पैसा खा गया, पूरा मेरा डायमंड का छोरा मेरे लूट लिया, मेरी बहनी को ऐसे छेड़छाड़ किया, मेरे साथ ऐसा कैसा न्याय नहीं किया इसने, मेरे को मारने का कोशिश किया, मैं कैसे बच के इधर आपके सामने खड़ा हूँ सर। मैंने सबको बोला, मैंने डीआईजी साहब को, डीसीपी साहब को बोला, डीजी साहब को बोला, सीपी साहब को मैंने लेटर डाला, लेटर में मैंने लिखा मेरी बेटी के साथ ऐसे हरकत किया है, क्यों नहीं एक्शन लिया, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ सर, हमारे साथ न्याय हुआ है। मैं पूरे समाज को, मेरे सिख समाज को बोलता हूँ, क्या एक बेटी का बलात्कार होएगा तभी आप क्या हमारी हेल्प करोगे क्या, जब मैं मर जाऊंगा मेरी फैमिली मर जाओगी तभी आप हमारी हेल्प करोगे क्या, फिर क्यों दिए जलाओगे आप मेरे घर पे आके, क्यों गुरुद्वारे में प्रोग्राम रखोगे मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का। सर मैं पूरे सिख समाज को बोलना चाहता हूँ कि आप पंजाब में जब कोई इंडिया में कनाडा में रहता है सर हमारी हेल्प करो, एक पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे रहने वाला आदमी हमारे को बर्बाद करना चाहता है, मारना चाहता है सर। मैं पूरी महाराष्ट्र सरकार को भी बोलना चाहता हूँ कि सर हमारा इधर दुनिया में इस महाराष्ट्र में कोई नहीं है, हम लोग इज्जत करते हैं सरकार की, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो शिवसेना की सरकार हो सर, मेरे लिए किसी सरकार से, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, टैक्स भरता हूँ सर, मैं 1-1 लाख रुपया हम लोग साल में टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, क्या हमारी सेफ्टी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है क्या, जब मर जाएंगे तब क्या इधर दिया जलाने आएंगे क्या, बोलने दो ना मेरे को सर, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मैं चुप करके बैठा हूँ, डीसी ऑफिस में जाता हूँ, डीसी साहब बोलते हैं कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं एक्शन कर रहा हूँ, 4 साल से एक्शन ले रहे हैं क्या, 4 महीने से एक्शन ले रहे हैं क्या, अभी तक मेरे को क्यों नहीं बताया, तुम गलत हो या डी ए जी गलत है, मेरे को बताना चाहिए था ना, तुम गलत हो या डी ए जी गलत है, मैंने कितने प्रूफ दिए उनको, मेरा मोबाइल मैं नया लेके आता हूँ, डी ए जी मेरे को बोलता है इतना महंगा मोबाइल तू क्या करेगा, अरे मैं नहीं करूँगा तो तू क्यों ले रहा है, मेरा मोबाइल यूज कर रहा है, 60,000 का मोबाइल मेरा 3 साल से यूज कर रहा है, मेरे नाम पे पेपर है, मैं प्रूफ देता हूँ, मैंने क्या क्या उसको दिया, उसके घर पे जितना यूनिफॉर्म है उसके पीछे टैग देखो सुखी का लगा हुआ है,
उसको जितने मैंने रेमंड के कपड़े बना के दिए उसके घर पे एक एक कपड़ा मेरे दुकान का गया हुआ है। रेमंड शोरूम में उसने मेरा खाली किया, पैसा उसने मेरा लूटा, पैसा लूटने के बाद उसने मेरा जमीन मकाया, जमीन मका के गोया रोड पे जमीन लिया, जमीन लेने के बाद वहाँ पे उसने बंगला भी बनवाया। इतना कुछ मेरे को लूटने के बाद आज मेरे को मारना चाहता है, मेरे को बोलता है अगर तेरे को मारने से मैं जिंदा रहूँगा तुमको मरना पड़ेगा। तो मैं डीएजी को बोलता हूँ आज रात को मेरे को मार डालो, मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। और हो गया डीआईजी के प्रमोशन होने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा पिताजी के सामने कि तू तेरा बेटा अभी ग्रेजुएट हो चुका है, तुम उसको अभी पुलिस खाते में भर्ती करा दो, उसका भर्ती कराने का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, अभी इनका भी थिंकिंग ऐसा था कि चलो मेरा बेटा सेटल हो रहा है तो उन्होंने हाँ बोल दिया, चलो ठीक है मेरा बेटा अगर सेटल हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, अगर कुछ करना पड़ेगा तो। उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि 4 लाख रुपये लगेगा। ठीक है, डैड ने वो 4 लाख रुपये दे दिया उसको। वो देने के बाद उसने प्रस्ताव रखा कि एक तुम किधर ये 10x10 के रूम में रहते हो, अपना बंगलो लो, जमीन लेते हैं सस्ते में, ज़मीन मिल जाएगा और उसमें हम बंगलो बनाएंगे, एक तू अपना बना लेना एक मैं अपना बना लूँगा। ठीक है, वो बंगलो का पूरा काम डैड ने करवाया अपने हाथों से, हर चीज़ का हमारे पास बिल है और वो जो उधर की लैंड है वो लैंड मेरी मदर और उसकी वाइफ के नाम रजिस्टर्ड है पूरा लैंड। तो जैसे ही वो बन गया तो उसका थोड़ा सा यानी कि बिहेवियर चेंज हुआ कि भाई गाली देना, उधर कोई आता था डैड जाते थे हम जाते थे हमको गाली देना, वहाँ से मारने की धमकी देना, वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो हमने क्या किया, उसको छोड़ ही दिया कि भाई ये बंगलों की वजह से ज़मीन की वजह से लड़ाई हो रही है, हमको ये चाहिए ही नहीं, तुमको अगर खुशी मिलती तुम रख लो ये। तो उसने रखने के बाद हमारा सब बोलचाल उससे बंद हो गया। बोलचाल बंद होने के बाद वो डायरेक्ट 5 तारीख को हमारे घर पर आया, यानी उसने बोला कि आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। पहले मेरे को बुलाया था। हाँ। इनको बुलाया था, तन बुलाया पहले मेरे को बुलाया, बोलता आज आपकी बेटी का बर्थडे है तो मेरे साथ तू आ तेरा ऐसा तुम गुस्से से क्यों रहता है, मेरे साथ झगड़ा हो गया तेरा, मेरा बात तू नहीं करता है, आज तो तुम्हारी बेटी का बर्थडे है आज तुम, मैं भी थोड़ा खुश मूड में था, घर का माहौल अच्छा था, बेटी का बर्थडे था तो मेरे को बोला तुम मेरे पास आओ। तो मैं इनके पास पूरा दिन मेरे को इसने फार्म हाउस पे लेके गया, वहाँ से इसने बातचीत किया मेरे से, प्यार से मेरे को समझाया तुम ऐसा वैसा मत करो, तुम्हारे साथ ही मैं लगा हूँ, आप टेंशन मत लो, तेरे बच्चे का जो प्रॉब्लम है मैं उसको डायरेक्ट 3 स्टार लगवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप। तो मेरे को अभी अपने को सब जगह पे पैसा तो देना पड़ेगा तुमने, मैं बोला सर मैंने आपको घर बना के दे दिया है, अभी आप घर भी ले लो, 15 लाख का खर्चा हुआ उसका एक एक पेपर मेरे पास है, मैंने पैसा कहाँ से लेके आया सर, मेरे पूरा जमीन बेच दिया पंजाब का, मेरे पूरा पंजाब का जमीन बेच के इसको दे दिया, हरामी आदमी को 5 लाख रुपए मेरे से लूट लिया, मेरा पूरा जमीन का पैसा खा गया, मेरा पूरा फाइनेंस का पैसा खा गया, पूरा मेरा डायमंड का शोरूम इसने लूट लिया, मेरी बेटी को इसने छेड़छाड़ किया, मेरे साथ ऐसा कैसा न्याय नहीं किया इसने, मेरे को मारने का कोशिश किया, मैं कैसे बच के इधर आपके सामने खड़ा हूं सर। मैंने सबको बोला, मैंने डीआईजी साहब को, डीसीपी साहब को बोला, डीजी साहब को बोला, सीपी साहब को मैंने लेटर डाला, लेटर में मैंने लिखा मेरी बेटी के साथ इतनी हरकत किया है, क्यों नहीं एक्शन लिया आज तक, है पर क्यों नहीं हुआ सर, हमारे साथ न्याय हुआ है। मैं पूरे समाज को, मेरे सिख समाज को बोलता हूँ, क्या एक बेटी का बलात्कार होएगा तभी आप क्या हमारी हेल्प करोगे क्या, जब मैं मर जाऊंगा मेरी फैमिली मर जाओगी क्या तभी आप हमारी हेल्प करोगे क्या, फिर क्यों दिए जलाओगे आप मेरे घर पे आके, क्यों गुरुद्वारे में प्रोग्राम रखोगे मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का। सर मैं पूरे सिख समाज को बोलना चाहता हूँ कि आप पंजाब में या कोई इंडिया में कनाडा में रहता है सर हमारी हेल्प करो, एक पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे रहने वाला आदमी है हमारे को बर्बाद करना चाहता है, मारना चाहता है सर। मैं पूरी महाराष्ट्र सरकार को भी बोलना चाहता हूँ कि सर हमारा ये तो दुनिया में इस महाराष्ट्र में कोई नहीं है, हम लोग इज्जत करते हैं सरकार की, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो शिवसेना की सरकार हो सर, मेरे लिए किसी सरकार से, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, टैक्स भरता हूँ सर, मैं 1-1 लाख रुपए हम लोग साल में टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, क्या हमारी सेफ्टी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है क्या, जब मर जाएंगे तब क्या इधर दिए जलाने आएंगे क्या, बोलने दो ना मेरे को सर, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मैं चुप करके बैठा हूँ, डीसी ऑफिस में जाता हूँ, डीसी साहब बोलते हैं कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं एक्शन कर रहा हूँ, 4 साल से एक्शन ले रहे हैं क्या, 4 महीने से एक्शन ले रहे हैं क्या, अभी तक मेरे को क्यों नहीं बताया, तुम गलत हो या डीएजी गलत है, मेरे को बताना चाहिए था ना, तुम गलत हो या डीएजी गलत है, मैंने कितने प्रूफ दिए उनको, मेरा मोबाइल मैं नया लेके आता हूँ, डीएजी मेरे को बोलता है इतना महंगा मोबाइल तू क्या करेगा, अरे मैं नहीं करूँगा तो तू क्यों ले रहा है, मेरा मोबाइल यूज कर रहा है,
60,000 का मोबाइल मेरा 3 साल से यूज कर रहा है, मेरे नाम पे पेपर है, मैं प्रूफ देता हूँ मैंने क्या क्या उसको दिया। उसके घर पे जितना यूनिफॉर्म है उसके पीछे टैग देखो सुखी का लगा हुआ है, उसको जितने मैंने रेमंड के कपड़े बना के दिए उसके घर पे एक एक कपड़ा मेरे दुकान का गया हुआ है। रेमंड शोरूम में उसने मेरा खाली किया, पैसा उसने मेरा लूटा, पैसा लूटने के बाद उसने मेरा जमीन बकाया, जमीन बका के गोवा रोड पे जमीन लिया, जमीन लेने के बाद वहाँ पे उसने बंगला भी बनवाया। इतना कुछ मेरे को लूटने के बाद आज मेरे को मारना चाहता है, मेरे को बोलता है अगर तेरे को मारने से मैं जिंदा रहूँगा तुमको मरना पड़ेगा। तो मैं डीएजी को बोलता हूँ आज रात को मेरे को मार डालो, मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। और आज उनको जो इंसिडेंस हुआ हमारे घर पे बर्थडे के दिन, तो बिना बुलाए घर पे आए, फिर जब हम इनकी कंप्लेन देने गए पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले ऑफिसर बोलते हैं कि आप कोर्ट से लेटर लेके आओ फिर हम पुलिस एक्शन लेंगे, नहीं तो तब तक हम तलोजा पुलिस स्टेशन में हम गए थे, काफ़ी बार गए थे, अभी रिसेंट मेरे ये छेड़छाड़ कर कंप्लेन करने गए थे हम, तो वो पुलिस ने हमारा कोई बात नहीं सुना। मेरी बेटी 17 साल की 5 साल को हुई थी, उसका 5 साल को 17वां साल पूरा हुआ था, 17 साल की हो गई थी, उसका बर्थडे मनाया था, हमने इसको नहीं बुलाया, मेरे घर पे आया बर्थडे के लिए केक मंगाया, मेरा बेटा केक लेने जाता है मेरे को बोलता है थोड़ा घर पे आया तो दारू तो पिला दो, मेरे को मांगा मैं दारू लेके इसको पिलाया, दारू बाद पीने के बाद जब केक काटा तो मेरी बेटी के मुंह पे बच्चों ने केक लगा दिया, वो केक ऐसा चाट रहा है, मेरे को तकलीफ नहीं हुआ, मेरे को 2 मिनट बाद में समझ आया दोस्त था इसलिए 2 मिनट बाद में समझ आया दोस्त था इसलिए 2 मिनट लग गया मेरे को समझने में ये क्या मेरी गलती है। 2 मिनट में मेरे दोस्ती का आगे से पर्दा हटा तो उसने देखा कि मेरी बेटी का ऐसे ऐसे गाल चाट रहा है, क्या उसको गाल चाटना चाहिए था, उसकी छाती पे हाथ लगाना चाहिए था क्या? दीदी बोलती है चाट लो अच्छे से चाट लो, और उसकी बीवी मेरे लोग उसकी लड़की के साथ ऐसे करे तो हम लोगों को वो उसी टाइम अरेस्ट कराएगा, उसी टाइम जेल में डालेगा, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोगों का कोई FIR नहीं। जब हम कंप्लेन देने गए कोई कंप्लेन नहीं लिखा किसी पुलिस वाले ने, तो उन्होंने क्या बोला कि आप लिखती रूप में दो तो हम लेंगे, तो लिखती रूप में भी उन्होंने नहीं लिया। फिर ये कॉपी है जो मैंने दिया था DGP ऑफिस 16/7/2019 को, और एक कॉपी है कमिश्नर ऑफिस का 16/7/2019 का सेम, तो उसके बावजूद भी इसमें हमने सब लिखा हुआ है कि वो हमारे ऊपर कभी भी झूठी FIR करके हमको कुछ भी फंसा सकता है, फिर भी ये हमारे ऊपर अगेंस्ट FIR हुई। ये FIR की डेट है इसकी डेट है 12 अगस्त 2019। फिर एक महीना हमने जो नोटिस दिया उसका हमें क्या बेनिफिट हुआ, सरकार ने तो देखा भी नहीं है पेपर। मेरा ये सवाल है जब हमने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन दे के रखी थी गवर्नमेंट को पुलिस वालों को, तो हमारे ऊपर झूठी FIR क्यों हुआ? और इसके अंदर जो मैटर लिखा है, जो धाराएँ लगी हैं, ये जो धारा इतनी सारी लगी हैं, मम्मी के ऊपर भी बराबर लगी हैं, पापा के ऊपर, दोनों के ऊपर बराबर धारे लगी है, ठीक है। और ये पूरा मैटर है, ये मैटर की कॉपी मैं आप सबको एक एक दे दूँ, हर शब्द का हमारे पास प्रूफ है कि ये गलत है, ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ है हमारे पास ये गलत है। जब फिर भी हमें इतना परेशान किया जा रहा है, फिर मैंने एक लोकल मीडिया का सहारा लिया, उसका आर्टिकल आया था 16 तारीख को DN खबर में, 16 नवंबर को आर्टिकल आने के बाद 20 तारीख को मेरे ऊपर अटैक होता है। अटैक में लड़के लोग बोल के जाते हैं मेरे को अभी भी टाइम है तुम संभल जाओ, उसकी NC मैंने तलोजा पुलिस स्टेशन से लिया हुआ है, अभी भी टाइम, अगर मरता हुआ आदमी अगर मार के भी जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी NC की कॉपी भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको सबमिट कर दे रहा हूँ, और इसका ऑलरेडी पुराना पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये है 2004 का, जब इसने ड्रिंक करके एक पुलिस की वैन ठोकी थी, इसमें अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया था, तभी ये सस्पेंडेड था 1 साल के लिए। ये उस न्यूज़पेपर के जेरोक्स हैं, ये उस न्यूज़पेपर के जेरोक्स हैं। और दूसरा जो इसकी वाइफ है, जो बोल रही है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, ठीक है, वो उसकी इलीगल वाइफ है, जो लीगल वाइफ है उसका प्रूफ ये रहा है हमारे पास, ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, उसमें इसके बीवी का नाम है स्वाति निशिकांत मोरे, और जिस बीवी ने हमारी कंप्लेन दर्ज की है उस बीवी का नाम है निशिकांत मोरे। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई हिंदू समाज में या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे दो दो वाइफ रख सकता है, रख सकता है क्या?
अगर निशिका उसकी वाइफ है तो स्वाति कौन है? अगर इसके ये वाइफ के साथ अगर इससे अगर डिवोर्स हुआ है या ये डेथ सर्टिफिकेट है, मैं उनसे करता हूँ, कहता हूँ कि उसका ये प्रूफ दें, नहीं तो ये वाइफ है जो हमारे ऊपर अगेंस्ट कुछ भी झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, हमको बार बार फंसाया जा रहा है। अभी भी रिसेंट लास्ट दो दिन पहले मेरे सिस्टर पे अटैक होता है, यानी कि उनको उठाने की कोशिश की जाती है। कोशिश कैसे की जाती है, एक ऑफिसर छुट्टी पे है, ऑफिसर खारगर में रहता है सेलिब्रेशन बिल्डिंग में, यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है जिधर ये वारदात हुई। अगर एक आपके पास ऑन ड्यूटी अथॉरिटी नहीं है कि आप विदाउट ड्यूटी गवर्नमेंट का व्हीकल यूज़ करें, चलो यूज़ भी करते हैं तो उनको खुद का व्हीकल यूज़ करना चाहिए था, ना कि थर्ड पर्सन का। पॉइंट टू नोटेड, अगर उन्होंने थर्ड पर्सन का गाड़ी यूज़ किया है, आर्टिका जो गाड़ी हमने पकड़ा है वो DIG निशिकांत मोरे का नहीं है ऑफिशियली, वो अलग किसी ऑफिसर के नाम ऑथर रजिस्टर्ड है RTO इसमें डिपार्टमेंट में। और दूसरा ये, उसके जब डैड को देखा उनके ऑफिसर्स ने, तो उनमें से एक ऑफिसर वहाँ से भागा क्यों, जबकि हमने तो उनको पकड़ा भी नहीं था तभी, जैसे वो देख के वहाँ हमसे भागा। और दूसरा कांस्टेबल जो यूनिफॉर्म में है उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी वो शख्स जो था हमारा बदल गया, इसमें सच्चाई में यकीन में बदल गया कि भाई ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। अभी इसीलिए हमने उसको पकड़ा हुआ, और आप वीडियो में देखे रहेंगे जो कांस्टेबल को पकड़ा है वो सिर्फ हाथ से पकड़ा है, और पुलिस हम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने पुलिस की वर्दी पे हाथ उठाया है, हम आपके ऊपर भी FIR करेंगे। अभी मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ, अभी हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन अभी लिया जाएगा, कुछ ना कुछ झूठा FIR या कुछ भी हमारे ऊपर अभी होएगा। उस बंदे के वो नंबर और नाम प्लेट रहती है वो भी नहीं थी, वो भी नहीं थी। और जो कहते हैं और जो ट्यूशन टाइमिंग है मेरे सिस्टर का, जो ट्यूशन टाइमिंग है उसको वही टाइम मिला था वहाँ पूरा घूमने के लिए, वो नीचे घूम रहा है कब से। जब उनकी मेरे साथ जमती नहीं है, मैंने उसके ऊपर केस किया है, उसने मेरे ऊपर केस किया है, उसको मालूम है कि इसकी बेटी तो ट्यूशन पे पढ़ती है, उसका टाइमिंग 4 से 8 बजे तक का है। क्या उस अफसर को जो मालूम नहीं है कि इसकी बेटी ट्यूशन पे पढ़ती है, वो देख के इसको डर के भाग सकती है? ये फिर भी उधर क्यों गया, वहाँ पर क्यों गया है? जब बच्ची हमारी वहाँ थी तो उसको और ऑफिसर को फॉलो करने की क्या ज़रूरत थी? जब वो ऑफिसर उसको फॉलो किया, बच्ची डरी, डर के मारे वो किधर छुप गई, जिसकी वजह से ये सब हंगामा हुआ। मेरी बेटी ने 100 नंबर पे कॉल किया और बाथरूम में जाके छुप गई, उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, उसने मेरे को बोला पापा DIG मेरे पीछे लगा है। मान लो बच्ची ने DIG को देखा, इसलिए बच्ची डर के भाग गई। और बाथरूम लेडीज़ वो बोलती मैं लेडीज़ बाथरूम इसलिए घुस गई कि लेडीज़ बाथरूम में तो नहीं आएगा, तो लेडीज़ बाथरूम में घुस के उसका रेंज नहीं लग रहा था, उसने मेरे को बोला पापा मेरे पीछे DIG लगा है। DIG वहाँ पे क्यों गया? अगर मैं उसके बेटे के स्कूल के सामने पकड़ा जाता हूँ ऐसे घूमता, क्या पुलिस मेरे को अरेस्ट नहीं करती? क्या मैं और एक पॉइंट, जो गाड़ी जो है जो गाड़ी इन्होंने यूज़ किया है, अभी DIG ऑफिसर है वो छुट्टी पे है, बरोबर छुट्टी पे है, उसका शिल्प चौक से घर सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे है, उसको क्या ज़रूरत थी पूना से स्पेशल गाड़ी मंगवाने की, वो भी किसी थर्ड ऑफिसर की, उससे किसी थर्ड ऑफिसर की गाड़ी स्पेशल पूना से मंगवाया यहाँ, बल्कि उसके पास उसकी खुद की 4-व्हीलर है, खुद की बुलेट है, खुद की स्कूटीज है, वो उससे भी रिपोर्ट लेने जा सकता था, और उसको अपने साथ कांस्टेबल पुलिस वाले ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो रिपोर्ट लेने जा रहा था, अपनी वाइफ की रिपोर्ट लेने जा रहा था, वो हस्बैंड वाइफ का बैटर है, वो दोनों को जाना चाहिए था। पर पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहाँ पे? तीन घंटे वहाँ क्या कर रहे थे? और आज पुलिस वालों ने ना NC लिए हमारी, ना हमारी FIR दर्ज की है, सिर्फ उन्होंने एक बात बोली कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम स्टैम्प मार के दे देंगे। हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, इसके ऊपर FIR होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। FIR हमारा अधिकार है, पोजीशन पे नहीं रखना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। उसके बाद ये दोषी पाया जाता है तो इसको कोर्ट का काम है सजा देना। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको अंदर करो, नहीं, कोर्ट में केस जाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए, उसके बाद इसका जो कोर्ट न्याय करेगा, मेरे को दोनों हाथों से मंजूर है। जो भी न्याय होगा कोर्ट में, हम लोगों को वो फैसला सिर आंखों पे रहेगा।
और ये यूनिफॉर्म में आदमी हमारे साथ इतना कुछ कर सकता है, इनको भाई बोल के, तू मेरा भाई है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरे बिना तेरा कोई नहीं है, भाई बोल के मुझे बहन बना के मेरे से राखी बंधवा के हम लोगों के साथ इतना कुछ कर सकता है, किसी और की बच्ची के साथ भी ये आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। इधर एक मैडम बैठी है, उसके साथ भी उसने गलत टचिंग किया, उसने बताया है मुझे, आप उसका भी इंटरव्यू ले सकते हो। आइए मैडम, आइए, आप भी बताइए। 13 में उन्होंने हमारे पास खारघर सेक्टर 13 में 2 गाले और 3 फ्लैट लिए थे, उसमें उसने 8 लाख रुपया दिया है। बाकी के पैसे देने को बोला तो बोलता है दे रहा हूँ, ऐसे उसको 3 फ्लैट का भी पजेशन चाहिए था, 2 गाले का तो उसने पजेशन ले लिया। उनकी अनलीगली वाइफ अभी उसमें ब्यूटी पार्लर चला रही है, वो उधर जाते हैं तो वो भी गाली गलौज पे आ जाती है। और वो जब अभी मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं उनके घर पे गई तो वो दारू पी रहा था, उनकी वाइफ क्या बोल रही है आप अंदर जाके बात करो, वो बैठे हैं उधर, आप वांदा नहीं। मैं बोली भी कि वो ड्रिंक ले रहे थे, तो बोलता है कोई बात नहीं, उसमें क्या हर कोई ड्रिंक लेते हैं, वांदा नहीं, आप अकेले उसके पास जाओ। वो जिधर बैठते हैं उधर उनकी अनलीगली वाइफ उधर किसी औरत को भी भेज देती है, उनकी वाइफ एक तो लीगली है नहीं वो, लेकिन उसकी वाइफ भी इसमें सब मिली जुली है। अभी आजकल वो ब्यूटी पार्लर चले, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है दवाई के लिए, उसकी वाइफ उधर ब्यूटी पार्लर चला के हर महीने 20,000 रुपया कमाती है, मैं पैसा मांगने को गई तो गाली गलौज पे और मारने पे आती है वो, और अंदर जा भेजती है, उसका आदमी पीते रहता है तो कहीं भी टच कर लेता है हाथ अपने को, बहन बहन करके हाथ अपने को हाथ लगा लेता है। इसके लिए उसकी वाइफ को सब मालूम रहता है कि मेरा आदमी कैसा है करके, फिर भी वो अंदर भेजता है। हाँ, निशिकांत मोरे, DIG निशिकांत मोरे, वो निशिकांत मोरे DIG, ये जो उनकी लीगली वाइफ है एक, ये तो अनलीगल, जो उनके साथ में रहती वो अनलीगली वाइफ है, एकदम बेहुदा हरकतें करते रहता है ये आदमी हर कोई के साथ। आपने फ्लैट और वो उनको बेचा, उसके पेपर्स एग्रीमेंट कुछ नहीं है उसके पास, एक लीगल कुछ भी नहीं है। वो तो अभी रह रहे के ये पापा जी मिले थे, तभी उन्होंने पापा जी को बोला कि मेरे को MOU बना के दो, मैं इनका पैसा दे रहा हूँ, तभी पापा जी बीच में गिर के हमारे पास MOU बना है, फिर भी उन्होंने पैसा अभी तक दिया नहीं। और मेरा जो ऊपर का 2 फ्लैट है उसमें भी 2 जन को घुसा के रखा है, उसने वो ताला तोड़वा के 2 जन को अंदर घुसा के रखा है DIG ने, निशिकांत मोरे ने। फ्लैट कुछ नहीं, किसी के पास भी नहीं है, जो ऊपर रह रहे हैं सुन ना सुधाकर कोहली, उसके पास भी एग्रीमेंट नहीं है, उसने तो अनलीगली सब बनाया है, लाइट बिल भी अनलीगली बनाया, सब कुछ कंप्लेंट किया है, कोई कंप्लेंट ले ही नहीं रहा है। हम लोग गए थे तो बताए हो रहा है प्रोसीजर में, इतने टाइम से हम जा रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ प्रोसीजर नहीं हुआ है, आज की तारीख में भी नहीं हुआ। लोकल पुलिस स्टेशन ही बता रहे, पुलिस स्टेशन में खारघर में मैं बात किया, तुलोजा में पहले मेरा तुलोजा सेंटर पुलिस स्टेशन आता है, मैं तुलोजा में गया, उधर साहब को बोला मैं सर मेरा एक FIR लिखने गए, तो क्या मैटर है, मैंने पूरा DIG निशिकांत मोरे जैसे ही बोला, साहब मैं नहीं कर सकता, बहुत बड़ा ऑफिसर है, मराने को आया कि मेरे को क्या इतना बड़ा ऑफिसर का सीनियर सर, मेरे को नाम उसका चौहान ही याद है, पूरा नाम मेरे को सर मालूम नहीं है, चौहान सर है उधर के, बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर लेके आओ, ऊपर से कोर्ट से ऑर्डर ला के दो, क्योंकि फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। अभी फर्स्ट क्लास ऑफिसर लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो बाकी जनता की क्या सेफ्टी होगी। और हाँ। वो खुद बोलता है कि छोटा बंदा मेरे खिलाफ कुछ लिखेगा नहीं, तुम लोग किधर भी जाओ और बड़े तक तुम्हारी जाने की औकात नहीं है, ये लफ्ज वो बंदा खुद बोलता है। आपका सैटरडे का जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में खारघर पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ क्या हुआ? सर मैं रात के 4 बजे तक बैठा रहा, सुबह हो गया, पूरी रात में पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में मेरे को फिर पूछते रहे, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ चोर हूँ। मेरी बेटी से, बेटी मेरी 17 साल की है, उसके साथ भी अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। तू वहाँ क्या कर रही थी, तुम तेज भाग रही थी या कम भाग रही थी, तुम भाग रही थी या चल रही थी, ऐसे सवाल क्या बच्चे से किया जाता है? तू स्टार बोलता है मेरी बेटी को, तुम दौड़ रही थी या भाग रही थी? अरे दौड़ने और भागने में क्या फर्क है? वो बोलती है मैं सर तेजी से जा रही थी, दौड़ रही थी। दौड़ने और तेजी में फर्क है, क्यों फर्क है? तेजी से डर के आदमी भागता है, वो भागता नहीं है, डर के आदमी थोड़ा सा स्पीड से चलता है, लेकिन भागना स्पीड अलग रहती है, और थोड़ा सा भागना बच्ची छोटी है, वो बच्ची डर के बाथरूम में छुप गई। मेरे को फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ, 3 से 4 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच गई। उसके बाद हम लोग को गाड़ी पकड़ा था, जो उस गाड़ी को भी पुलिस स्टेशन में लेके गए, 2 जो उनके ड्राइवर थे उनको भी पुलिस स्टेशन में लेके गए हम लोग। लेकिन सुबह के 4 बज गया, ना हमारी NC किया गया,
ना हमारी एफआईआर किया गया, क्यों नहीं किया गया? हम इंडिया के लोग नहीं है क्या? बस ये एक एप्लीकेशन लेके उसके ऊपर स्टैम्प मार के दे दिया गया कि यही तुम्हारी एनसी है, यही तुम्हारी एफआईआर है। इसमें बेटी ने लिखा है कि मैं 17 साल की हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी तो मेरे को डैड ने शिल्प चौक पे उतारा था, उसको तो थोड़ा सामान लेना था मोबाइल की शॉप से, तो वहाँ उतरी थी शिल्प चौक में। जैसे ही उतरी वैसे थोड़ा सा आगे गई, डैड को थोड़ा हुआ कि भाई बच्ची अकेली जा रही, तुमको जाना चाहिए साथ में, तो मम्मी भी साथ में गई, ये पीछे थे मम्मी और वो आगे थी। और मेरे पीछे वो डीआईजी था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसको मेरे पीछे चलते हुए। जब मैंने उसको ऐसे मुड़ के देखा तो वो उधर से कहीं भी वहाँ 2-3 ऐसा सर्कल सा बना है, वो गली के अंदर घुस गया। वो उसमें कैमरे का रिकॉर्डिंग में भी आएगा क्योंकि वो मेरे पीछे था। और आज के मिड डे के न्यूज़पेपर में भी इनका आर्टिकल आया है जिसमें पुलिस ने कंफर्म किया है कि डीआईजी मोरे वहाँ स्पॉट पे मौजूद था। मिडे पेज नंबर 7 थे। सर मेरा सवाल है गवर्नमेंट से भी पुलिस से भी, जब मेरा इसके साथ अच्छे से पूरी तरह जमता नहीं है, हमारा आपस में ये मेरे को मारना चाहता है, जब मेरी बेटी उस बिल्डिंग में 1 साल से ट्यूशन पढ़ रही है, उसका टाइमिंग 4 से 8 बजे तक है, एक इसने दवाई लेने का था या इसने रिपोर्ट लेने का था, क्या इसको उसी टाइम ही जाना था जिस टाइम मेरा बेटी का ट्यूशन का टाइम है? और ये 2-3 घंटे वहाँ पे क्या, फिर इसको रिपोर्ट लेने में 3 घंटा लगता है, जाता है क्या? हम लोग भी सोनोग्राफी कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन 3 घंटे तो बिल्कुल मेरे बेटी को उठाने वाले थे। ये प्रेशर मेरे को कर रहे हैं कि आप केस वापस लो। सर मैं केस वापस लेने वाले में नहीं हूँ, मैं एक सरदार हूँ और सिख भी हूँ ना, तो मेरे को भगवान ने सिखों को ताकत दिया है। हम लोग इनके जो मेरे से कितने भी अत्याचार कर ले, मेरी पूरी कौम, मेरे गुरु, इन ये सब सहते आए हैं तो हम भी सह लेंगे ना। और हम लोग डरने वाले नहीं है, रिटर्न पीछे नहीं लेंगे हम लोग। जो हमने कम्प्लेन किया, हमारे को गवर्नमेंट से चाहिए कि हमारा इंसाफ करे, जो भी इन्होंने हरकत किया है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जाए और इसको जो बनती सजा वो दी जाए। और हमने से एक दिन पहले ही हमने एक चाइल्ड राइट्स को ये नोटिस लिखा था कि हमारी बच्ची के साथ, और महिला मंडल को, महिला कमीशन बांद्रा महाड़ा कॉम्प्लेक्स में जो है, एक दिन पहले वो लिखा था हमने उनको नोटिस कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो उसके अगले ही दिन हमारे साथ ये वारदात होती है सिल्क चौक पे, और वारदात के बाद हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले का बोलते हैं कि आप एनसी लिखिए या एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस वाले का ये क्वेश्चन रहता है कि वहाँ कुछ हुआ था, उसने टच किया था, वहाँ उसको कुछ टच किया था, तेरे को कुछ बोला था। खारगर पुलिस स्टेशन वाले और बोलते, उनका कहना ये था कि वहाँ कोई वारदात ही नहीं हुई, वारदात हुई नहीं वहाँ, इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया और उनके लिए ये कॉमन बात थी। क्या हम लोग वारदात का इंतजार करें? जैसे उनाव में हुआ, उनाव में लड़की ने मतलब सीनियर साहब से भी मिले हैं, और जो 2 स्टार था, क्या नाम था कमल बेटा उसका, कैमन में सर 15 से 20 मिनट बैठे हैं, बात भी सुना है, हमारा बात सब सुनते हैं, बात सब सुनते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं कुछ हो रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे साथ न्याय हो रहा है नहीं हो रहा। कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं हम लोगों के स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट होते जा रहे हैं, और अगर हम सिटी से हो रहा कि आपका केस जहाँ तक पहुँचा है, ये इंक्वायरी हो गई है, ये इंक्वायरी अभी बाकी है, जहाँ तक हम तो बोलते हैं हम लोग गलत हैं तो हमें फिनिशमेंट किया जाए, अगर वो आदमी गलत है तो उसे किया जाए, लेकिन हमें कुछ तो पता चलना चाहिए ना कि हमारा केस पहुँचा कहाँ तक है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा। और जब हम पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, हमने एक दो बार सीपी ऑफिस भी गए हैं पूछने के लिए, वहाँ डैड गए हैं और मेरे चाचा गए हैं साथ में, तो पुलिस जो जॉइंट कमिश्नर है, क्या नाम से था, राजकुमार, वो हमसे बदतमीजी से बात किया और बोलता है कि जो होएगा तुम्हें पता चल जाएगा, मेरे पास वापस आना नहीं। और हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं इंक्वायरी चल रही है, 5 महीने से इंक्वायरी चल रही है, और हर चीज का प्रूफ दिया गया, जो जो बात पुलिस ने पूछा है, जो जो स्टेटमेंट उन्होंने हमसे लिया है, उसका हर एक स्टेटमेंट का हमने प्रूफ दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डीआईजी का स्टेटमेंट हुआ, उसने कितना प्रूफ दिया आपको?
हम लोगों ने एक एक रेप पर इल्जाम लगाए, किसी का प्रूफ उसने दिया क्या? उसके पास कोई प्रूफ है ही नहीं है। उल्टा जो एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर में 420 का केस डाला है हमारे ऊपर, और उसमें डाला है कि हमारा जो घर है 35 में वो हमने उसको बेचा, जबकि 35 में हमारा कोई फ्लैट नहीं है। नहीं है 35 में। और दूसरा और एक और आरोप लगाया है कि मेरी बीवी को उसने मारा है उसके घर में जाके, बल्कि मेरे पास एविडेंस है कि उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उनको 2 महीने बाद में याद आता है कि भाई मेरी बीवी को मारा था तो मैंने उसकी एफआईआर करनी चाहिए। अभी आप ही बताओ, अगर कोई मारने की बात दूर की, अगर किसी कांस्टेबल की वाइफ से भी कोई पर्सन बदतमीजी से बात करेगा, कांस्टेबल छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। 2 महीने लगते तो ये तो फिर भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर है। उसके घर में ऑलरेडी हॉल में सीसीटीवी लगा हुआ है। आपका सिख कम्युनिटी इसके बारे में कैसे आपको सपोर्ट कर रही है? अभी मेरे को 2 दिन से बहुत कॉल आ रहे हैं, दादर गुरुद्वारा से भी कॉल आ रहे हैं, बाहर से अमेरिका से भी कॉल आ रहे हैं, पूरा जो इधर का खारघर एरिया में सुबह से शाम तक फोन ही सुनता रहता हूँ। सब आए हैं, दादर गुरुद्वारा से भी आए हैं, पाजी भी आए हैं, मंजीत सिंह जी अगर अब हाँ बोलना, और डॉली बिंद्रा जी भी आई हैं यहाँ, जिसने हमारा सब अभी पुलिस ने ऐसा बोला है कि आप गुरुद्वारे में नहीं कर सकते हो। प्रधान साहब को फोन किया है कि गुरुद्वारे में मत करने, प्रेशर डाला गया है कि आप गुरुद्वारे के अंदर बैठ के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं अपने बाप के घर पे नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मस्जिद में जाऊँ क्या? एक सिख गुरुद्वारा में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मैं सिख समाज से पूछता हूँ, मैं गुरुद्वारे में अपनी मीटिंग नहीं करूं तो मस्जिद में करूं क्या? हम लोगों को आधा घंटा पहले ही बोला जाता है कि गुरुद्वारे में मत करो। जी मैं मनजीत सिंह अबरू, मैं मनजीत सिंह और मेरे साथ में डॉली बिंद्रा जी है, हम सिख समाज से हैं। मैंने कल एक फेसबुक पे और मुझे व्हाट्सएप पे किसी परिचित बंदे ने ये वीडियो भेजा था जो सिंह साहब के साथ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसने भेजा था उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से एक हरकत हुई है और हमारे सिख बंधु हैं जो खारघर जुरिडिक्शन में रहते हैं। मैंने तुरंत उनसे कांटेक्ट किया और आज के दिन सुबह हमारी बात हुई और इस वक्त मैं इधर आया हूँ। जो कंटेंट मैंने देखा है, मैं इतना जानता हूँ कि उस कंटेंट के मुताबिक, जो कंटेंट है उसके मुताबिक हमारे सिंह साहब के ऊपर, सुख चैन जी के ऊपर एक्सटॉर्शन का जो कंप्लेंट है उनका, वो निशिकांत मोरे साहब के खिलाफ जो है वो एक्सटॉर्शन भी है उसके अंदर हरेसमेंट भी है, उनके ऊपर लाइफ थ्रेट भी है और एक मोलेस्टेशन भी है। और वो जो इतनी बड़ी बात मोलेस्टेशन की भी हो जाती है, उसके सारे एविडेंस हैं और 4 महीने से उस कंप्लेंट को आज तक फॉलो नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ का सीपी है उसको इस तरह की कंप्लेंट्स की तुरंत जानकारी दी जाती है। जब पुलिस स्टेशन में कोई मैटर आता है, एसीपी को, फिर डीसीपी को, फिर डीसीपी के बाद जो जोनल ऑफिसर रहते हैं उनके थ्रू कमिश्नर को ये रिपोर्ट जाती है। तो कमिश्नर अभी तक इसके बारे में फैसला क्यों नहीं लिया? अगर वो आज कल सुबह तक एक सीवियर एक्शन अगर निशिकांत मोरे साहब के पास नहीं लेते हैं तो कल यहाँ के स्टेट मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पास हम लोग जाने वाले हैं, होम मिनिस्टर साहब के पास जाने हैं। जो भी हमारा बनेगा एविडेंस हम दिखाएंगे, फिर सरकार को जो लीगल स्टेप लेना होगा वो ज़रूर लेगी। ऐसी हमारी विनंती है कि अगर इसकी इंक्वायरी करके जो भी लीगल एक्शन है वो लीगल एक्शन मिस्टर मोरे के खिलाफ लेना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बैठो, खड़े रहने का यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ गलत होता है वहाँ हम होते हैं, आप तो सब जानते हैं। हम कोई जज नहीं है, हम कोई डिसीजन मेकर नहीं है, पर जिस तरीके के हालात और सर्कमस्टांसेस जो हो रहे हैं इनके परिवार के साथ, उससे देखते और समझते हुए आप लोग को तो ये भी सत्य समझ में आ गया होगा कितना सत्य है और कितना गलत है। तो सत्य क्या है? ये परिवार हैरेसमेंट अक्यूजेशन और जो बाकी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इस बंदा जो है जिसका नाम अपने आप को जो DIG जो निशिकांत मोरे भाऊ जो हैं, RTO मोटर वाले DIG हैं, ठीक है ना? RTO नहीं है, मोटर डिपार्टमेंट है, मोटर डिपार्टमेंट के वो हैं, रहते हैं पूना।
आते हैं यहाँ पर, लड़की का वो जो वीडियो देखेंगे, जो हरकत कर रहे हैं वो मैंने देखी है, वो देख करके मैं यहाँ पर आई हूँ आज। मेरा खून खौल गया, उल्टा मैंने वो परिवार में अंकल जी और उनके भाई को बोला, मैंने कहा आप लोग ने, ये होते आपके सामने ये हरकत हो रही है, आपने तभी। मैं समझ सकती हूँ हालात क्या थी, पहला इनका स्टोरी है ये है कि हकीकत जो है इनके दोस्त थे, वो दोस्त थे। जब हम दोस्त होते हैं, करीब होते हैं, तो आपकी इंटेंशन आप उनके लिए गलत नहीं सोचते हैं कि ये एक दोस्त है यार, ये गलत नहीं कर सकता। और वो सामने भी कर रहा था, ऐसे सोच नहीं सकता इंसान, दो सेकंड के लिए वो घंटी नहीं बजती है कि ये गलत है। ये आदमी जिस तरीके से ये लड़की को हाथ लगा रहा है और यूँ चाटे जा रहा है, फिर हाथ लगा रहा है, होठों तक जा रहा है, यूँ पकड़ रहा है, फिर यूँ ऐसे करते हैं, यूँ यूँ ऐसे चाट रहा है। इतने में उसकी बीवी बोल रही है चाटो चाटो चाटो। उसके बाद उसकी बीवी इनको फ़ोन करती है, जो भी वो बीवी है जो आई थी महिला उनके साथ, कल फोन नेक्स्ट डे फ़ोन किया तुम्हें, क्या कहा उनको ज़रा अपनी ज़बानी बताइए, आइए यहाँ पर, बता दिया। नहीं मैं चाहती हूँ, मैं अभी जो बोल रही हूँ बताइए। जब केक काटने के, जब ये हुआ केक काटा जब बच्ची का, मैंने वो वीडियो देखा और मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप लोग देखें, आपको समझ में आ जाएगा उनके बिहेवियर। एक आदमी किसी की बिटिया के साथ किस तरीके से बर्ताव करता है और अपनी बिटिया के साथ किस तरीके से बर्ताव करता है। यहाँ तो समाज में इतना सारा जो गंदगी जो हो रही है अपने परिवारों में ज़्यादा हो रही है, उसके अलावा ज़िंदगी में क्या होता है, जो सत्य है वो समझ में आ जाता है, जो गलत है वो समझ में आ जाता है। आज इन ये परिवार डरा क्यों है मुझे बता दीजिए ना आप, ये परिवार डरा क्यों है इतना? एक इंसान जब डरता है आज, मुझे ये भी है कि कल इनको कहीं मोलेस्टेशन का जवान लड़के के ऊपर कल हो नहीं जावे, जो पावर का जिस तरीके से इस्तेमाल चलता है, ये समाज है जिस तरीके से ज़िंदगी चलती है, अपने पावर का जो रोब है जिस, मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये गुजारिश है खास करके यहाँ के पुलिस स्टेशन से जो भाव हैं यहाँ पर उनके लिए, आप लोग ज़रा देखें और इसमें जस्टिफिकेशन करते हुए इसके साथ साथ इमीडिएटली जब एक महिला की कंप्लेन आती है, मैं चाहती हूँ आप लोग इतने एक्टिव हो जाएं कि हमें ये बोलना नहीं पड़े, हमें अपनी आवाज़ उठानी नहीं पड़े और हमें इतनी दूर से यहाँ पे आके बोलना नहीं पड़े आपके माध्यम से कि प्लीज़ एक्शन लीजिए, कुछ करिए, कुछ करिए। कल को जाके कुछ ज़्यादा कुछ गहरा नहीं हो जाए, इसको हम संभाल लें, अभी हम परिवार की तरह एक संभाल लें, हिंदुस्तान है, हम सब एक है, हम सारे मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। हम एक दूसरे को क्यों इतना हम वो करें कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, हमें मौका ही ना मिले ये बोलने का और करने का। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फैसला है जल्दी लिया जाए, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के साथ कुछ हो जाए और हम लोग रोते ही रह जाए, जल्दी से कुछ न्याय किया जाए, बहुत जल्दी, अर्जेंट। नहीं नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कुछ करेगा ऐसे, क्योंकि करने को बहुत जहाँ तक ये पुलिस स्टेशन का सवाल है यहाँ के, मुझे नहीं लगता मुझे उनकी तरफ से कर सकते हैं, उसको हम लोग एक मिनट अकेला नहीं छोड़ सकते। कोई नहीं कोई नहीं, आप देखिए ये बात बहुत संजीदा है, एक महिला बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, उसको ट्यूशन में जाने के लिए कोई साथ में चाहिए, लड़का जवान है उसके साथ कोई चाहिए, कल को इसके ऊपर कुछ महिला का वो मामला दर्ज हो जाए, जो होता है, जो कानून को मिसयूज किया जाता है, फिर हम ये ब्लेम गेम करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम ये मौका आयदात वारदात क्यों लाएं, हम इसको जितनी जल्दी हम जिस तरीके से सुलझा सके उससे ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा मानना ये है और मेरी ये रिक्वेस्ट और गुजारिश है। रहा पुलिस स्टेशन का सवाल, मेरे को जो बातें समझ में आ रही है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जानते हैं सत्य, और मैं चाहती हूँ और सत्य का साथ दें और जो हो सकता है इसको मदद करके इसको अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से हम इसको सॉर्ट करें और इसको आने वाले कल में इनके परिवार को कोई तरीके का प्रेशर ना हो। और आप सोच सकते हैं एक परिवार में जब एक FIR बनता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो डाला है इनके ऊपर, ये किस तरह किस बात का है, इससे भी समझ में आ जाता है कि आप ये सब चीज़ें करके एक परिवार पे इतना प्रेशर डालते हो कि वो डर जाए घबरा जाए, घर से बाहर ना निकले, तो ज़िंदगी में रोज़ी रोटी कैसी चलेगी उस परिवार की, काम कैसे होगा, बाहर अंदर जाएगा कैसे, बच्ची स्कूल कैसे जाएगी, क्या डर के माहौल में रहना है, क्या हमें हिंदुस्तान में हमारा डर बना के रहना है, क्या हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों को इतना डर बना दे, फियर फैक्टर बना दे कि हम पुलिस वालों से भी डरना शुरू हो जाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच। गला है कमेटी ने नहीं, पुलिस ने ऑर्डर दिया है कि गुरुद्वारे के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। मैं बस मीडिया का पूरा धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे लिए इधर आए, मैं मीडिया का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।